पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने ये सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हेलो गाइस, इट्स वंशिका नेत्रा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इमरान खान की वीडियो जिसका टाइटल है अनस्टॉपेबल सुनामी। गेट रेडी फॉर इमरान खान फाइनल कॉल ट्रिब्यूट ट्रेलर गूज़बम्स। और आप लोग बहुत दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे, इवन कमेंट कर रहे थे कि आप लोग ने आपने वंशिका सुलेमान की वीडियोस पे रिएक्ट करना छोड़ दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्चुअली हम लोग काफ़ी दिन से शूट कर ही नहीं रहे थे तो हम कैसे इस पर रिएक्ट करते, हम पुराने वीडियोज़ ही अपलोड कर रहे थे बिकॉज हम थोड़ा दोनों बिजी चल रहे थे, ये रीज़न था। और इमरान खान की अगर बात करें, इमरान खान की वीडियोस हमेशा ही बहुत अच्छी रहती है और सुलेमान बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं। और इस वीडियो में हमने यही देखना है कि जो इमरान खान है वो उन्होंने मतलब कि जब उनको निकाला गया तो उसके बाद क्या क्या हुआ, हमने एक पार्ट देखा है कि दूसरा पार्ट है, तो मैं लिटरली इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। या मुझे तो बताने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इमरान खान की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। और जब ये वीडियो आएगी तो यार पता नहीं, हो सकता है कि मैं इमोशनल भी हो जाऊँ। अगर इमोशनल हो जाऊँ डोंट माइंड प्लीज़, क्योंकि इमरान खान जो है ना उनका जो कनेक्शन है वो हमारे दिल के साथ है, तो मैं अक्सर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। लोगों का आंसू देख, ओए होए। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने ये सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला तुम वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को लो कॉन्फिडेंस पोशन में ना हराया, तकबर सुने जरा, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है अगर कामयाब हो गया पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमरीकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम हो कौन वो हमें माफ करोगे। सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं, ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा क्या आप अमरीका को बेच देंगे, एब्सोल्युटली नो, आप मेरे से कोई और उम्मीद रखे थे, चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। आई लव यू। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है। 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, 40 अरब रुपए के FIA में और NAB में केसेस हैं, और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। अल्लाह, तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए तो क्यों जमीन पे चूपियों की तरह रींग रहे हो। ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बशूर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही। इनको नहीं पता के क्या इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुदारी को जगा। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है, हमारा एक खुदार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। जेरी ब्लॉसम कहता है कि भिखारियों को गुलामी करनी पड़ेगी, तो गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। ये नाम आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी 26 साल अपनी जिंदगी के इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. My belief is La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से आवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान के आजादी, हम छीन के रहेंगे आजाद, है हक हमारा आजाद, तेरा पाप भी दे। वाओ, जैसा कि इस टाइटल में लिखा था ना, यू विल गेट गूज़बम्स आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, एंड लिटरली इट वाज ट्रू। आई सीरियसली गॉट गूज़बम्स। मतलब मेरे को ऐसा था कि यार मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा है इस टाइम। इमरान खान ने एक चीज़ लास्ट में बोली कि यार मुझे जिसने जिसको भगवान ने सब कुछ दे रखा है, क्योंकि जिसको सब कुछ पैसा था, दौलत थी, शौहरत थी, और इवन साथ साथ फेम भी था, सब कुछ था, स्टिल मैं 26 साल लड़ा हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्यों आया हूँ सिर्फ आप लोगों की। और ये बात सही है, इमरान खान फाइनेंशली स्टेबल थे, फेम उनके पास था, फैमिली उनके पास थी, सब कुछ था उनके पास, स्टिल वो आए सिर्फ हम आवाम के लिए। और उन्होंने बोला कि अगर हम, मैं चाहता हूँ लड़ना, मेरे को मेरी जान से फ़र्क भी नहीं पड़ता यार, मैं मर जाऊँ मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा पाकिस्तान गुलामी करे अमेरिका की या फिर किसी और देश की या फिर यहाँ की अपने प्राइम मिनिस्टर की, नवाज शरीफ की, मैं नहीं चाहता। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और सीरियसली मैंने इमरान खान की इतनी वीडियोस देख ली है, ये तो मैं उनकी फ़ैन हो ही गई हूँ, इतने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं यार। अब यही भगवान से प्रे है कि यार जो इमरान खान है वो ही आए, प्राइम मिनिस्टर बने, और इतने लोगों का उनके साथ है तो ऑब्वियसली वो ही इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे तो इमरान खान दिल में बस चुके हैं। यार इमरान खान चीज़ ही ऐसी है यार, जो बंदा एक दफ़ा उनकी तरह उनकी बात गौर से सुन लेता है ना, वो उनका हो जाता है। वंशिका तुम यकीन करो, मेरे मतलब जानने वाले काफ़ी ऐसे लोग थे जो इमरान खान को लिटरली हेट करते थे, वो गालियाँ निकालते थे कि ये क्या गंदा बंदा आ गया है, इसकी शक्ल ऐसी है, ये वो ये वेला है, इस तरह के लोग ऐसे कमेंट्स करते थे ना उनको। और अब वही लोग कहते हैं कि यार इमरान खान जैसा बंदा नहीं है, हम भी अब इमरान खान को ही वोट देंगे। ऐसे तो मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं अपनी फैमिली में, अपने जानने वाले लोगों में। तो यार देखो ना, अब ये वीडियो देखने के बाद हमें बस एक चीज़ बस आ रही थी कि हमने आज़ादी हमें चाहिए, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और वो बंदा बस यही चाहता है कि मेरी कौम आज़ाद हो जाए, मेरी कौम में शऊर पैदा हो, वो लोगों को पता हो कि यार हमने करना क्या है, हमारे जीने का मकसद क्या है। और यही चीज़ में वो कामयाब भी हुए हैं। अब हर बंदे को पता है कि उसके हकूक़ क्या हैं, इस कंट्री के जो रूल्स हैं वो क्या है, हुकूमत क्या है, जिसको पहले किसी को कुछ नहीं पता होता था। जब से इमरान खान आए हैं तो हर तरफ जैसे लोगों के अंदर, दिमागों के अंदर किसी ने कोई चीज़ भर दी होती है, ऐसे हर बंदे को यूँ पॉलिटिक्स का पता है, अपने हकूक़ का पता है। तो ये अब देखो इमरान खान ने ये, अब तुम्हें मैं बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि इमरान खान इस कदर अपने कंट्री के साथ सिंसियर हैं कि
उनकी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, जस्ट लाइक उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बनीगाला के अंदर अपना बहुत बड़ा घर बनाया हुआ था। वो घर भी ऐसे है कि काफ़ी ज़्यादा एकड़ की वो ज़मीन है जहाँ पर इनका वो घर है, ठीक है। तो अब इमरान खान ने क्या किया कि ये कुछ दिनों पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं वो अपना जो सिर्फ वो घर ही था उनके प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा कि मैं वो घर भी अपना आज मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद जो मेरा घर है वो बेच दिया जाए, और वो बेच के ये जो मेरा कैंसर का हॉस्पिटल बनाया शौकत हानम उसको लाइक उनको दे दिया जाए कि वो लोगों की फलाह में काम आए। ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, तुम सोचो यहाँ तक वो बंदा कहता मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पाकिस्तान के लिए है, तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। तो यार इससे ज़्यादा कोई बंदा क्या हो सकता है यार, कौन कहेगा कि ये बंदा पॉलिटिक्स ही कर रहा है, जस्ट ये बंदा इंसान है, ये लोगों को जीने का हुनर सिखा रहा है, तो इसलिए पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। और आई लव इमरान खान एंड आई लव दिस वीडियो, और सुलेमान ने इस वीडियो को वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छा एडिट किया है। और बस फ्रेंड्स यही था हमारा रिएक्शन, अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और प्लीज़ गाइस ऐसी हमें सपोर्ट के लिए, तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।